झोपड़ी में रहने वाले रांची की सुजीत मुंडा का क्रिकेट टीम में चयन कैसे हुआ, आइए जानते हैं सुजीत मुंडा की संघर्ष से सफलता की कहानी को। सुजीत मुंडा ने अपने क्रिकेट करियर के बारे में बताया कि मैट्रिक परीक्षा के बाद वे दिल्ली चले गए थे, यहाँ भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को लीड कर रहे गोलू से मुलाकात हुई। उन्होंने उसे इंडियन टीम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वहां खेलते हुए झारखंड की टीम में चयन हुआ था। उसके बाद उसे नेशनल टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। झारखंड के दिव्यांग खिलाड़ी सुजीत मुंडा का चयन भारतीय क्रिकेट ब्लाइंड T20 कप के लिए हुआ है। सुजीत का परिवार राजधानी रांची के धुरवा इलाके में झोपड़ी में रहता है और मजदूरी कर घर चलाता है। सुजीत मुंडा का बचपन से ही खेल में मन था। वर्ष 2014 में सुजीत का झारखंड टीम के लिए चयन हुआ था। झारखंड के लिए खेलते हुए उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। सुजीत मुंडा साल 2018 से देश के लिए खेल रहे थे। T20 कप मैच में सिलेक्ट होने से उसका परिवार बहुत ही खुश है। सुजीत मुंडा हमारे आदिवासी समाज के लिए एक मिसाल बन गए हैं। ईश्वर उनको बहुत आगे ले जाए और उनकी सफलताओं की हर एक ऊंचाइयों को छुए, ऐसा हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हम आदिवासी समाज से आते हैं और हम सब एक आदिवासी समाज में जितने भी गोत्र या धर्म या जाति के हों, चाहे मुंडा हो, खड़िया हो, उराव हो, चाहे हो समाज के हो, हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही हमारे समाज में जितने भी टैलेंट लोग हैं वो आगे बढ़ सके और दुनिया में आदिवासी समाज के लोगों का नाम रोशन करे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सुजीत मुंडा का परिवार का स्थिति बदल जाएगा। सुजीत मुंडा भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाएगा, उसका परिवार का स्थिति बदल जाएगा। हमें सुजीत मुंडा जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि एक दिव्यांग होकर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज इस मुकाम तक पहुंच पाए। झारखंड से आज एक नया MS धोनी बन के निकल आए हैं। आज उनकी माँ की आत्मा को कितनी शांति मिली होगी कि उनका बेटा दिव्यांग होकर अपने माता पिता और पूरे आदिवासी समाज का नाम दुनिया में रोशन किए। जय झारखंड, जय आदिवासी, बिरसा मुंडा की जय। अबू अदिसुम अबू अराज। बिरसा भगवान तो कितना महान, राज्य और देश खातिर दिले अपन जान। बिरसा भगवान तो कितना महान, राज्य और देश खातिर दिले अपन जान।